भारतीय किसानों के पास कहाँ पैसा है जो वो गाड़ी घोड़ों से आए। मैं हम लोग को सब अपने किसानों के वाहनों से आकर के अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। संविधान की रक्षा कौन करेगा? देश सामने वाले में आईडी ना ये भारतीय किसान दल से हमने नामांकन किया है। भारतीय किसान और लोकसभा से इन्होंने हमें मतलब इस लायक समझा जो उन्होंने भारतीय किसान पार्टी ने हमको यहाँ पे इसमें प्रोत्साहित किया है यहाँ पे। और मैं कोई साधन नहीं था हमारे पास, मैं भी एक किसान हूँ, एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए वहाँ पर किसी ने कोई जिस तरीके से मतलब टांगे घोड़े की व्यवस्था से इस तरीके से मैं आया हूँ वहाँ से। सर पैसा नहीं था हमारे पास, ना कोई साधन था, गाड़ी में कहाँ से कर पाता। देखिए भारतीय कृषक दल किसानों, नौजवानों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लोकसभा के इस महोत्सव में उतरा है। हरदोई से 31 लोकसभा से प्रत्याशी प्रदीप कुमार को भारतीय कृषक दल ने बनाया हुआ है। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड चुनावी चंदे को माइनस किया है, तो मेरा एक ही कहना है कि देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, देश में जिस तरीके से अरबों खरबों रुपए के चंदे को लेकर के, करोड़ों रुपए के चंदे विभिन्न पार्टियों सपा बसपा कांग्रेस को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मिले हैं, उस पैसे का इस चुनाव में
सदुपयोग न किया जाए। वो पैसा जनता का है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है, और जनता के पैसे जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, जैसे भारतीय कृषक दल जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए आया है। महाराणा प्रताप ने जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो उनका चेतक ने साथ दिया था, और चेतक की वीरता की कहानी आज भी प्रचलित है। आज महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर के पुनः देश में देश को सुंदर बनाने के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए, देश को संवारने के लिए राणा के चेतक के रूप में एकता तांगा से हम लोग आए हैं और नामांकन पत्र हम लोगों ने दाखिल किया है। क्या नाम है आपका, क्या पद है? मैं सर्वोदित राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कृषक दल।